तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे M3M सॉलिट्यूड सेक्टर 89 की कंस्ट्रक्शन अपडेट और स्मार्ट वर्ड जेम्स की कंस्ट्रक्शन अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूं M3M का जो सेक्टर 89 के अंदर प्रोजेक्ट है, जिसका नाम था सिटी ऑफ ड्रीम, जिसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट डिवाइड था। राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो आता है स्मार्ट वर्ड जेम्स के नाम से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 एकर्स के आसपास था, और जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है वो आता है M3M का सॉलिट्यूड। ये चलिए हम बात करते हैं आप लोगों की। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंटिन्यू कॉल करके कह रहे हैं गुप्ता जी मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, तो उन सब के लिए ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे मेहंदी हसन जी का शेर याद आ गया है। मुझे इस समय लगता है कि हर एक इन्वेस्टर आज इससे बहुत कोरिलेट कर पाएगा अपने आप को। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, ये M3M कह रहा है। ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, समा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहोगे बुझा ना सकोगे, किसी ने पूछा सबक आंसुओं का, बताना भी चाहोगे तो बता ना सकोगे। आज का जो सिनेरियो है वो यही है, आप प्रॉपर्टी बेच तो देंगे पर दोबारा खरीद नहीं पाएंगे। मेरा पर्पस यही है सारे इन्वेस्टर्स से कि क्या आप आज अपनी प्रॉपर्टी बेच के दोबारा खरीद सकते हैं सेम रेट के ऊपर? नहीं, तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों को इस समय पे पैनिक करने का। मार्केट के अंदर जो सिनेरियो डेवलपर ने बना रखा है, आप उसकी साइट पर जाके देखें, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग चल रही है, काम रुका नहीं है, तो आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत है नहीं, मेरा यही कहना है। फिर भी अगर आप लोगों को पैनिक करने का मन कर रहा है तो भाई नंबर नीचे दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे पास इतने सारे लोगों के भी कॉल्स है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। ज़्यादा माल बिकने के लिए आएगा तो फिर तो इन्वेस्टर्स अपना प्राइस लेगा, आपको जो प्राइस आज मिलेगा वो प्राइस खरीदने वाला है, बेचने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप बेचेंगे तो 101% आप लिख के ले लीजिए मेरे से, आप 2 साल बाद 1 साल बाद रिग्रेट करेंगे, बहुत बड़ा रिग्रेट करेंगे। इसीलिए मैंने वो आपके लिए शायरी इस पूरे मौसम के ऊपर सूट बैठती है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली कही है। तो आपको समझना ये है, डेवलपर का इंटेंट बहुत क्लियर है, रेरा के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है, एस्क्रो अकाउंट में पैसा गया है, और जिन लोगों के भी पेपर नहीं बने, भाई साहब आपने दिया क्या 5%? ये जो सामने देख रहे हैं ना पूरी की पूरी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर है, ये पूरी की पूरी मिशन आज़ादी वाली साइट है। इस लोकेशन के ऊपर 5-5 लाख रुपए गए, और देखिए डेवलपर ने बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक, इवन कहीं थर्ड फ्लोर तक पहुंच गया है। तो डेवलपर माल बना रहा है, डेवलपर टाइम से कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिना पैसे लिए, इंटेंट बहुत क्लियर है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत है नहीं, आप लोग बने रहें, पैसा बनेगा ही बनेगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। डेवलपर की ये लोकेशन बहुत ही सॉलिड है, आपको आसपास में कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आज भी वहाँ घूमते हैं, भैया मुझे आप 1.5 करोड़ के अंदर बढ़िया चीज़ दिला दीजिए। आज कृषि में जैसा प्रोजेक्ट आज के टाइम के ऊपर 14,000 रुपये पे रीसेल हो रहा है, और अगर आप साइजेस निकाल के देखोगे तो उसका जो 2.5 BHK है, उसका जो कारपेट एरिया मिलता है वो यहाँ के 2.5 BHK के आसपास है। तो कहीं से भी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस लोकेशन के अंदर कनेक्टिविटी वाइज बात करो, सामने आप जो देख रहे हो पीछे की साइड में, अभी आप देखोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल का टावर दिखाई देगा, ये जो पीछे बन रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के टावर के जो बैक साइड, ये देखिए राइट साइड में आ गया, इसके बैक साइड में सीधा आपका पटौती रोड रखता है। पटौती रोड से फिर हम राइट साइड में चले जाएंगे तो फिर अपना द्वारका एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा, और वो द्वारका एक्सप्रेस वे सीधा CPR से कनेक्ट हो रहा है, एलान का जो कमर्शियल बना हुआ है उसके एडजॉइनिंग से रास्ता आ रहा है। तो कनेक्टिविटी तो बहुत ही सुपर्ब कर दी, टोल हटने वाला है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी थी अब नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है, बस आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। आपने प्रॉपर्टी ली थी थोड़े लंबे टाइम के लिए, छोटा सा कुछ इश्यू हुआ और आप एकदम पैनिक कर गए। मेरा यही कहना है कि पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी किसी प्रकार से हेल्प सपोर्ट चाहिए,
और रेरा को आप और समझना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा ब्रीफ और दे दूं रेरा को लेके। रेरा एक ऐसी बॉडी है जो लाइसेंस देने से पहले सारे पैरामीटर्स चेक करती है। अब आप लोग सोचे ना, ये लगभग लगभग इसके अंदर 6000 अपार्टमेंट हैं, लगभग लगभग 6000 अपार्टमेंट इंटू एवरेज टिकट साइज 1 crore का। तो आप सोचिए ना, 6000 crore का ये प्रोजेक्ट है, करेक्ट 6000 crore का प्रोजेक्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, रेरा ने अप्रूवल्स दिए हुए हैं, साइट पे काम चल रहा है और अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस हैं। और M3M इज लाइक एप्पल। अगर आप ब्रांड की क्वालिटी देखें, उसने प्रोडक्ट क्या डिलीवर किए हैं, 3 crore, 4 crore, 5 crore, 50 crore तक की चीज़ें हैं उसके पास में। तो वो जो बनाएगा, कोई हल्की चीज़ नहीं बनाएगा। उसका अगर कंपैरिजन मोबाइल के हिसाब से करा जाए तो वो Xiaomi नहीं है कि वो 7-8 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक के फ़ोन के अंदर ही सिमट के रह जाए। वो क्वालिटी उसी हिसाब से है, पर एप्पल की क्वालिटी उसी हिसाब से है। तो देखो दोस्तों, इतना टाइम हो गया मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट चाहिए, नीचे एक नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ तो पॉजिटिव बात करता हूँ, नेगेटिव बात करने का मेरा बिल्कुल मन है नहीं, इसीलिए मैंने आपको शायरी भी सुनाई। अगर आप क्रस समझ गए तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं समझेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। पर प्रॉपर्टी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आपको पैसा कमा के देती है आने वाले टाइम के अंदर, बिना कुछ करे। स्पीड उसकी होती है, स्पीड आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।